और खेलेंगे पहली बॉल, पहली बॉल खेलेंगे। भाई करना है पहली बॉल खेलेंगे, पहले भी पहली बॉल खेलेंगे। को लगाओ चेक करो भाई, लाइव है ना भाई। पहली बॉल एक तो ये प्लेयर खड़ी है ना, आप दिन दौड़ के जाते सामने से हटा देते यार भाई, बुरा तो खुल रहा है कम आई
कनेक्शन आ गया भाई। बाइक इसको लगा लें, लो शॉर्ट के लिए इसको लगा
अच्छा अब होगा ना टॉस, टॉस हो चुका है ना, कौन जीती कौन सी टीम आपको तो कंफर्म करना चाहिए।
Fielder name. Fielder name. Fielder name. आप भी 2 मिनट ऊपर आके खड़े हो, मार रहे हैं इसको छोड़ कुछ करना नहीं है भाई, तुम लोग खिला रहे हैं मेरे बैग में रखी थी केबल लग को नहीं जो ए भैया नहीं केबल अच्छा होगा यार याद का आ गया देख लिया नहीं तो अरे पहले में वो देख था कि ये बिजली कमरे के ऊपर का साइड पॉकेट में निकाल लिया छोटा हम तो वहीं से नहीं था ये दिया इसके केबल लगा कर मिल बोला था 1200 रुपये केबल है गाड़ी है वो तुरंत हटाए वहां से
साथ बॉलर कौन है? बॉलर बॉलर जो खिलाड़ी मैच के अतिरिक्त आए हुए हैं वो सैलम सिंह के पास अपनी रिपोर्ट जरूर कर दें, अटेंडेंस अपनी दे दें आकर के। सैलम सिंह के पास सीएयूपी के कार्यालय प्रभारी सैलम सिंह के पास अपनी रिपोर्ट कर दें। उज्जवल प्रसाद रन मार रहा था, एक ओवर पूरा वही थी। पूरा ओवर वही खेला। ठीक है, ठीक है ना।
क्या कहते हैं बैट्समैन कौन है बैट्समैन बैट्समैन नेम आ जाए नीचे Thank you.
ये लास्ट गेंद दोबारा बीट बैट्समैन, बहुत अच्छी बॉलिंग देखी जा रही है धीरज सिंह के द्वारा, बहुत ही अच्छा ओवर। 11 ओवर की समाप्ति पर 50 रन पे 4 विकेट टीम एफ के। पांडे और महेश बैटिंग करते हुए, महेश अभी अपने नौ के नीचे स्कोर बैटिंग कर रहे हैं, आशुतोष अभी तक खाता नहीं खोले हैं। आदित्य द्वारा बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, कट मारा बॉल ट्रेंड सर जी आप यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे कमेंट्री हो रही है। अजय सर प्लीज आप आवाज सुन रहे हैं तो आ जाइए कमेंट्री के पास। हेलो और आदित्य की बहुत अच्छी बॉलिंग, बैट्समैन कल का डिफेंस करके एक रन के द्वारा खेला गया सर। अजय खिदारी है यहाँ, आदित्य सब यह एलबी की अपील और यहाँ अंपायर ने बार का इशारा दिया है। यहाँ पर आशुतोष पांडे का अब तक खाता नहीं खुला है। बैट्समैन बात कर रहे हैं आपस में, सोच बूझ के खेलना चाह रहे हैं सर। लास्ट बॉल आदित्य के द्वारा अच्छी बॉल डाली गई, यहाँ पे ड्राइव मारा लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग करी गई टीम। बारह ओवर 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम एफ का स्कोर है ये।
और ये बहुत अच्छी गेंद, बैट्समैन बीट हुए अब कीपर द्वारा है जो इतने गर्म मौसम में भी वो बॉल हिला रहे हैं। में किसी को निशान नहीं अभी टीम एफ को हर एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये चौथा बॉल बहुत अच्छा, फिर तीनों बॉल सेम जगह सेम लाइन पे, बहुत अच्छी बॉलिंग देखी जा रही है आदित्य के द्वारा। यहाँ पे बहुत ही सूझबूझ के बॉलिंग, एक ही लाइन पकड़ के बॉल डाल रहे हैं आदित्य। ऐसा लग रहा है बैट्समैन को बांध रखा है, एक एक रन नहीं दे रहे आसानी से। बहुत अच्छी बॉलिंग, चौथी बॉल भी ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नई बॉल डाल रहे हो। बहुत अच्छा स्विंग कराते हुए बाहर में, ये अच्छा सिंगल फुल फेस ऑफ द बैट खेलते हुए। ये ओवर की समाप्ति पर 14 ओवर 62 पे 4 महेश और आशुतोष पांडे बैटिंग करते हुए, महेश 15 और आशुतोष अपने के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। बॉलिंग में चेंज, संस्कार पाठक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर।
14 ओवर के समापन पे 62 पे 4 स्कोर, काफी अच्छी बैटिंग करते हुए महेश और आशुतोष पांडे भी एक तरफ से पारी को संभाला हुआ। नए बॉलर संस्कार पाठक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हुए। प्रायोजित महामहिम राज केसरी नाथ विचार सुबह टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया टीम डी के बीच ये मुकाबला हो रहा है। 40-40 ओवरों का ये मैच आज उद्घाटन मैच था। संरक्षक नीरज त्रिपाठी जी ने उद्घाटन किया था इस मैच का, प्रमुख महासचिव रमेश कुमार यादव ने संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता का आगाज कराया था सचिव राकेश यादव के निर्देशन में, और साथ ही साथ पूरी सीएयूपी की टीम आयोजन सचिव शिवम यादव और उनके ग्राउंड पर ये मैच होता हुआ। अभी जो ताजा हालात हैं इस तरीके से हैं, 63 रन 4 विकेट गिर चुके हैं टीम एफ के पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यांश यादव, 1 रन बनाकर रन आउट हुए थे और उसके बाद सुमित भी कोई लंबी पारी नहीं खेल पाए, 9 गेंदों का सामना कर 3 रन बनाया उन्होंने। उज्ज्वल प्रसाद जो अच्छी लय में दिख रहे थे 16 रन बनाया 18 गेंदों का सामना कर। बीच अच्छी गेंद, थोड़ी सी लो रहती हुई संस्कार पाठक, काफी अच्छी गेंदबाज बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स, लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी आशुतोष पांडे के द्वारा सूझबूझ भरी। ये भी एक दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और अभी इनके हुनर को देखा जाना बाकी है। इस बीच आपको बता दें आदित्य कुमार जिन्होंने 14 रन बनाए 19 गेंदों का सामना कर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक गलत शॉट का शिकार हुए और उसके बाद महेश की शहर में जिस तरीके से प्रदेश भर में जिस तरीके से प्रतिभाएं हैं उन्हें वास्तव में दरकिनार किया जाता रहा होगा, तभी आज इस टूर्नामेंट में पहली ही झलक में उन्होंने काफी कुछ दिखाया है। एक एक विकेट लिया है विशाल यादव ने, 4 ओवर 12 रन 1 सफलता, अशफाक अहमद 4 ओवर 29 रन 1 सफलता, थोड़े महंगे जरूर रहे हैं लेकिन गेंदबाजी अच्छी की है। धीरज सिंह 3 ओवर 1 मिनट 13 रन 1 विकेट, फुल टॉस बॉल थी, इसको उठा के मारा है और सीधे कैच आउट, देखना है अंपायर की तरफ इशारा लेकिन आउट घोषित किया गया और इस तरीके से एक और झटका टीम एफ को, 63 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी है टीम एफ और इस बीच में आपको बॉलिंग विश्लेषण बता रहा था आदित्य 3 ओवर 7 रन कोई सफलता नहीं, संस्कार पाठक 1 ओवर में 1 रन कोई सफलता नहीं, आदित्य को अभी अभी सफलता मिली है, काफी देर से मेहनत कर गेंदबाजी करते हुए आदित्य जिन्होंने अंततः सफलता प्राप्त की है खुद का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं। नंगा भी देखिए
नॉन स्ट्राइकर एंड पर आशुतोष पांडे खड़े हैं, जिन्होंने पिछले मैचेस में काफी अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी प्रतिभा दिखाई है। इस बीच एक बार फिर से आदित्य, फिर से पटकी हुई गेंद थी, हालांकि उसको बहुत ही एहतियात खेला, एक रन दौड़कर पूरा किया और अपना खाता खोला है एक रन के साथ। इस गेंद को हालांकि पुल कर सकते थे, लेकिन शुरुआती दौर में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि सीएयूपी का ये टूर्नामेंट, जिसमें प्रमुख महासचिव रमेश कुमार यादव जी की जो सोच है उसके मुताबिक ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है बीसीसीआई के निर्देशन में, बीसीसीआई की देख रेख में ये टूर्नामेंट हो रहा है। हम आपको बता दें कि कुछ ही दिनों बाद जब ये प्रतियोगिता संपन्न होगी तो 15 खिलाड़ियों की सूची भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भेजी जाएगी सीएयूपी की टीम की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए, जब बीसीसीआई की घरेलू सर्किट की प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। पटकी हुई गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया बिना किसी रन के, दो अंपायर ऋतिक सिंह और शशांक श्रीवास्तव गेंद को स्क्वायर कट किया गली पर, अनमोल ने गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के, ओवर समाप्त हुआ 16 ओवर की समाप्ति पर 64, 5 विकेट के नुकसान पर। 40 ओवर का ये मैच मौसम को देखते हुए 10 ओवर इसमें घटाए गए हैं अंपायरों के द्वारा, अंपायर ऋतिक और शशांक। और एक बार फिर से संस्कार पाठक के हाथों में गेंद, कप्तान टीम डी के कप्तान है धीरज, हालांकि इस समय कप्तानी का जिम्मा किसी और के हाथ में सौंप दिया है। इसी तरीके से टीम एफ के कप्तान हैं सचिन यादव और उप कप्तान हैं आशुतोष पांडे। धीरज काफी अच्छी गेंदबाजी की, 3 ओवर में 13 रन खर्च कर एक सफलता अपने हाथ ली है। ऋषभ इस समय बागडोर संभाले हुए, हमारे वरिष्ठ सलाहकार खेल सलाहकार रमेश पाल जी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट प्रेस ग्राउंड पर गेंद को फ्रंट फुट पर जाकर के सुरक्षात्मक अंदाज में खेल दिया, उनको फील्ड किया बिना किसी रन के। तो मैं आपको बता रहा था कि महासचिव साहब जो बैठे हुए हैं इस समय, उन्होंने ये तय किया है कि बीसीसीआई के पास, और इस गेंद को सीधे हिट किया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, 4 रन दो खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन से कोई मौका नहीं, पहले चौके के साथ ये दिखा दिया है सौरभ प्रताप ने की वो अग्रेशन और लंबी इनिंग खेले का जो जज्बा, निश्चित रूप से शायद ही आगे बढ़ता नजर आए। संस्कार पाठक पाए हाथ के गेंदबाज, एक बार अच्छी गेंद, अच्छा रिकवर किया है संस्कार ने, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार हल्के हाथों से खेला, जब तक कि गली पे गेंद फील्ड होती, एक रन दौड़ करके पूरा किया, इस एक रन की मदद से 69 पर जा पहुंची टीम और 6 पर पहुंचे सौरभ प्रताप, 6 रन बनाया है आशुतोष पांडे ने भी 29 गेंदों का सामना करके, एक चौके लगाए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि सीएयूपी के प्रमुख महासचिव के द्वारा एक लिस्ट भेजी जाएगी इस टूर्नामेंट में पारदर्शिता को रखते हुए, दरअसल जो टॉप लीडर बोर्ड पर खिलाड़ी होंगे उन्हीं खिलाड़ियों की लिस्ट चयनित करके भेजी जाएगी। इसके लिए 5 चयनकर्ताओं की सूची है, उनमें है श्री रमेश पाल जी, श्री
परवेज आलम जी, श्री राकेश यादव जी, श्री अजय यादव और मोहम्मद असलम, जिनकी निगाहें इस पूरी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच। इस बार लेग स्टंप पर पैक डालती हुई गेंद, अंपायर ने नकारा, एलबीडब्ल्यू की अपील थी, अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ संस्कार पाठक का। किफायती गेंदबाजी की अभी तक दो ओवर में 6 रन, हालांकि विकेट लेने से दूर रहे हैं, विकेट के पीछे मौजूद हैं अनुज जायसवाल। अच्छी अब तक की विकेट कीपिंग अनुज के द्वारा। कल 22 तारीख को मैच होगा एसटीसीए परेड ग्राउंड पर। रेट पे कनेक्शन कैसे मिलेगा? बॉलर कौन है? बॉलर मैं, बॉलर आए हैं, दिखा लेना बॉलर को। कल एसटीसीए परेड ग्राउंड पर टीम ए और टीम बी के बीच मैच है, अगर थोड़ा बहुत भी संशोधन होता है तो निश्चित रूप से आपको सूचना दी जाएगी। टीम ए और बी यानी टीम बी के कप्तान संभवतः शिवम यादव हैं और टीम ए के कप्तान मोहम्मद जीत फारान। आपकी ये बढ़िया शॉट, लेकिन उससे भी अच्छी फील्डिंग। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, तेजी से एक रन पूरा करते हुए। बॉलिंग पर आए नीलेश त्रिपाठी। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सीधे बैट से खेलते हुए एक रन पूरा करते हुए आशुतोष पांडे। स्ट्राइक पे सौरभ प्रताप, जो कि अपने लंबी हिट्स के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छा डिफेंस, अच्छी गेंद को खेले। ये बहुत खराब फील्डिंग, पैर के नीचे से गेंद जाती हुई और ये तेजी से दो रन पूरा करते हुए। आशुतोष जी को छाती पे गेंद लगी है, बहुत दर्दनाक दृश्य है ये। फर्स्ट एड का इंतजाम होता हुआ। हम
अंपायरों से कहे कि ये ट्रीटमेंट जाके छाव में ले जाके करें बैट्समैन के साथ?
खटखट की आवाज़ तो आएगी बैट की। अरे आज नहीं कल कल नहीं परसों लड़के देखेंगे अपने फ़ोन में ही, कोई ना देखेगा, यही लड़के ही देखेंगे क्या भाई? हाँ लड़के ही देखते हैं, घर वालों को दिखाते हैं, है ना? यही कह रहे हैं भाई, खा लो पहले, करते रहे नए खास, खाते रहिए, उधर से भूल जाइए। नहीं एक हाथ से काम करते रहिए, एक हाथ से खाते रहिए, समोसा ही तो खाना है। खाइए भाई, अल्लाह एक आध बॉल दिखा ले, लड़का अच्छी बैटिंग कर रहा है। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मैच का मतलब है स्कोर बोर्ड चलना, स्कोर बोर्ड चलता रहेगा इस चीज़ में सबके लिए मैच को जान लाते हैं। बॉलर कौन है? बॉलर रवि कांत है, श्री कांत है, हालात लग नहीं रहे। फील्डर कौन था? फील्डर रिकॉर्डिंग हम इनके भी कोई रिकॉर्डिंग बना करके डालने के लिए।
बैट्समैन कौन है बैट्समैन? एकदम देखना पड़ेगा भैया, हाथ रोक के मारा था उसने। One more. मैं रखा वो खाली आ रहा है। मुझसे पहले जो आया था वो ठंडा आया है। सांग भाई बॉलर नेम निलेश
वाइट बॉल। वाइट बॉल कहाँ लिंग? कार आ गया ना फिर से बॉलिंग में संस्कार आ गया ना क्या हुआ है यार उठिए उठिए भाई बाउंड्री गई है हम तो देखे पूरा कैमरा रोटेट है कोई प्लॉट खेला था उसमें कैच कौन पकड़ा भैया भैया कैच बहुत अच्छा इसका आया होगा नहीं आया भैया आए बाप ने रिकॉर्ड नहीं किया
भाई मुझमें से काट लेंगे शॉट काटने पे आएंगे ऑडियो खोल लीजिए रिकॉर्ड नहीं जा पाता बहुत अच्छी कैच उसने लिया था रिकॉर्ड करने वाली थी हमारे शॉर्ट में लगती कैमरा बहुत अच्छा मूव हो गया था यहाँ पर देखने वाली है डॉक्टर उन्होंने खुले नहीं बोल दिया आपने खुला मैं सबको बस लाइव पे कितने लोग देखते हैं विपिन ना विपिन विपिन
पकड़ा है कैच। हेलो कितने पे? Three, two, three.